हम पिछले वीडियो में मनुष्य के तीन शरीर और पांच कोष देख गए। अब मनुष्य में वायु होता है, तो जिसको हम विंड कहते हैं, ये जो विंड एनर्जी है उसको देख लेते हैं। उसको जीवन में मनुष्य जब जी रहा होता है तो उसकी क्या असर होती है, और जब वो मरने वाला होता है तब क्या असर होती है। पहले देखते हैं प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। मनुष्य में हमने स्थूल अन्नमय शरीर देखा, प्राणमय ऊर्जा शरीर देखा और मनोमय शरीर देखा। उसके बाद उसमें हमने पंच कोष देखे, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अब मनुष्य में पंच प्राण होते हैं और पंच उपप्राण होते हैं। अब देख लेते हैं ये क्या-क्या है। ये जो वायु है शरीर में, जैसे हवा निकलती है तो ऐसे ही होते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, ये पांच मुख्य वायु हैं। और पांच उपप्राण वायु है, जिसको कहते हैं कूर्म, कृकरा, देवदत्त, नाग और धनंजय। ये प्राण वायु और उपप्राण वायु अपने सिस्टम के साथ जब काम करते हैं, हम भौतिक रूप में विद्यमान रहते हैं। जब हम भौतिक रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं, यानी कि हमारा मृत्यु होता है, तब क्या होता है? तो हमारा जो स्थूल शरीर है उसको देख के डॉक्टर लोग हमारा स्वास्थ्य तपास के, हमारे हृदय की धड़कन तपास के कह देते हैं कि ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब ऐसा मृत्यु को प्राप्त हुआ, ब्रेन तो चलता रहता है, उसको मृत्यु प्राप्त होने में थोड़ा समय लगता है। तो हमारा जो प्राण का रिलेशनशिप क्या है? प्राण वायु ये श्वसन तंत्र जो है उसका भंजन हो जाता है, बंद हो जाता है। जब समान वायु निकल जाता है, अपना शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब अपान वायु निकल जाता है यार, तब हम जो देखते हैं, हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जैसे बोलना है, सूंघना है, श्वास लेना है, आँख से देखना है, कान से सुनना है, समझना है, ये बंद हो जाता है। उदान वायु जो है, हमारा शरीर जो है ये उसी के कारण हल्का लगता है। हमें अपना शरीर का भार नहीं लगता, हमें इस पेन का भार लगता है, हमें इस मोबाइल का भार लगता है, हमें इस वजन का भार लगता है, क्योंकि वो सब निष्प्राण है। लेकिन हमें खुद अपना शरीर का भार नहीं लगता। हम एक प्रकार की अपनी ग्रेविटी जो परिस्थिति है उसके साथ बायंसी में रहते हैं। तो ये हमारा उदान वायु जो है बायंसी का काम करता है, तरलता जिसको कहते हैं। व्यान वायु जब निकल जाता है तब शरीर जो है उसके अंग सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। मतलब कि उसने शारीरिक जीवंतता छोड़ दी। तो कहते हैं व्यान वायु जो है 40 दिन तक रहता है, क्योंकि शरीर धीरे धीरे छूटता है।
ये शरीर के छूटने के साथ है, हम तो निकल गए होते हैं अपने शरीर से, तो इसीलिए ये 40 दिन तक सब पूजा पाठ करते हैं, और मनुष्य को जब अपना मृत्यु होता है तब ये वायु निकल गए होते हैं, तब उसको बोध हो जाता है कि मैंने अपना शरीर जो अन्वय कोष है वो छोड़ दिया है। अपनी आँख जो है ये प्राणमय शरीर और अन्वय शरीर को जोड़ने का झांकने का एक जरिया है, और उसके बाद जो मनोमय शरीर है वो निकल जाता है। इसलिए जब हम ये सब चीज़ें समझ लेते हैं तब हमारा मृत्यु का भय जो है वो समाप्त हो जाता है, कि हाँ कि हम चाहे तो पुनः जन्म ले, हम चाहे तो इस वातावरण में अपना स्थान पे शांति से रहे, 1 साल, 1,000 साल, 1 दिन या 10,000 साल, हम जितना चाहें इतना रहे और फिर अनुकूल गर्भ मिले, अनुकूल स्थिति मिले, हम पुनः जन्म ले। जब हम पुनः जन्म लेते हैं तब हमारा मनोमय शरीर आता है, फिर प्राणमय शरीर आ जाता है और स्थूलमय स्थूल शरीर आ जाता है, तब हम दूसरे ही रूप में। तो इसी कारण उस लेवल पे स्त्री पुरुष का कोई भेद होता नहीं, हम किसी भी रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन हमने जिस स्थूल रूप प्राप्त किया उस स्थूल रूप का जो गुण है, जो रूप है, वो लक्षण, वो सीमाएं हमें पालन करनी पड़ती है। हमने जन्म लिया तो हमारे जिस शरीर का जो धर्म है वो निभाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इतना जो वेदांत है आपको अब्राह्मणिक धर्मों से मुक्ति दिलाएगा और हमारा जो ब्रह्म का धर्म है उसकी ओर ले जाएगा।